प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कैश फ्लो वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये नहीं है बेसिक। बिल्कुल कॉन्सोलिडेशन इस सिलेबस के अंदर बेसिक्स में काउंट होता है। एडवांस कॉन्सोलिडेशन F7 में आती। अब देखिए कॉन्सोलिडेशन हम करते क्यों है, लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक आइडिया दिया था कि कॉन्सोलिडेशन करने के लिए आपके पास पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होना चाहिए और ये पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप कैसे बनेगा, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करें। मसलन एक कंपनी है ए, उसने कंपनी है बी, उसके शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदेंगे कि पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट होगा? कम अज कम 51% शेयर्स। सो अगर मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर करती है एक कंपनी दूसरी कंपनी में, तो हम खरीदने वाले को कहेंगे ये पेरेंट कंपनी है और जिसे खरीदा गया है, जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे गए, वो कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। और ए कंपनी का बी कंपनी में एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आ जाएगा कंट्रोल। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को में कंट्रोल एक्वायर कर ले, तो उस कंपनी को कहा जाता है कि ये उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। कंट्रोल कैसे आता है? कंट्रोल आता है मोर देन 50% शेयर्स खरीदने के ऊपर। अब सिचुएशन ये है, फॉर एग्जांपल ए ने बी के 70% शेयर्स खरीद लिए, तो बी कंपनी जो है उसके जितने भी शेयर्स थे टोटल, उसमें 70% शेयर्स ए के पास हैं। सो जो रिमेनिंग 30% शेयर्स हैं वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास होंगे। वो रिमेनिंग 30% शेयर जिसके पास भी हैं, उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI। तो आपने तीन टर्मिनोलॉजी सीख ली, पेरेंट कंपनी जो शेयर्स खरीदती है, सब्सिडरी कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे जाते हैं, और NCI जिसके पास रिमेनिंग शेयर्स होते हैं सब्सिडरी कंपनी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी कंपनी के दो ऑनर हो गए, एक पेरेंट कंपनी और दूसरी NCI। पेरेंट के पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं और NCI के पास माइनॉरिटी शेयर्स हैं। अब पेरेंट कंपनी क्या करेगी? पेरेंट कंपनी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तुम लोगों को सिखाया जाएगा कि कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। सो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड SFP, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब ये होगा कि हम पेरेंट और सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है दो कंपनी के रिजल्ट्स को मर्ज कर देना, लेकिन इस प्रोसेस को डिटेल के अंदर उसके कुछ मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। पहले हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे और इस स्टेप्स के बाद फिर एक पूरी बैलेंस शीट बनेगी। स्टेप नंबर वन में पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करेगी। जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो एक्वायर करने के लिए कुछ पे करेगी, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे भी पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है,
ग्रुप का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पेरेंट ने कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर किए, एनसीआई की परसेंटेज कितनी, ये आइडेंटिफाई करेंगे। पेरेंट परसेंटेज एंड एनसीआई परसेंटेज, सबसे पहला काम। डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट पे खरीदा, परसेंटेज क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स खरीदने के लिए वो कितनी है, ये आपको गिवन होगी एग्जाम में। तीसरे स्टेप में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एनसीआई की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये भी गिवन होगी एग्जाम में। इस लेवल के ऊपर कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। स्टेप नंबर फोर में हम निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। फिर फाइनली स्टेप नंबर फाइव में निकलेगी गुडविल। फिर हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे, गुडविल कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर सिक्स में कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। स्टेप नंबर सेवन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और स्टेप नंबर एट में कंसोलिडेटेड एसएफपी। तो ये आठ स्टेप के अंदर बैलेंस शीट बनेगी। सो ये कंबाइन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो एक तरीका है जिससे बैलेंस शीट बनाई जाती है, लेकिन इस बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको तकरीबन ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे करेक्टली, तब जाकर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी। अब हम वन बाय वन ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्टली चलते हैं कि गुडविल क्या होती है और गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट। कैसे कैलकुलेट होती है, देखिए जी, गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है विच इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल, और एक होती है परचेज गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल वो होती है जो खुद से क्रिएट होती है। एक बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस करता है तो उसकी गुडविल जनरेट होती है, पॉजिटिव रेपुटेशन जनरेट होती है। तो ये जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है। अच्छा, परचेज गुडविल कब आएगी, जब हम किसी सब्सिडरी को एक्वायर करेंगे। सो नॉर्मली होता ही है कि जब हम किसी सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं तो हम ये देखते हैं उसके पास नेट एसेट्स कितने हैं, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, एक सब्सिडरी के पास नेट एसेट्स हैं 1000 के। अब आपने उसको एक्वायर किया और एक्विजिशन पर उसको पे किया, प्राइस हमने दी 1200 की। तो अगर हम एक कंपनी को एक्वायर करें और उसको उसके नेट एसेट से ज्यादा पे कर दें, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट हमने पे किया होगा उस एक्सेस अमाउंट को कहेंगे कि हमने गुडविल के लिए एक्सेस अमाउंट पे किया। तो इस 1200 के अंदर हमने उसको 1000 एसेट्स के लिए पे किए और 200 उसकी गुडविल के लिए पे किए। सो ये तरीका होता है गुडविल खरीदने का। सो पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी को एक्वायर करती है तो उसकी गुडविल खरीदते हैं, उसको कहा जाता है परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जा सकता है, परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो परचेज गुडविल जब भी आएगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और वो कब आएगी, जब हम किसी सब्सिडरी को एक्वायर करेंगे।
कहा ये मसला आप एडमिन से डिस्कस करो भाई। क्योंकि क्लासेस की अरेंजमेंट जो ना वो एडमिन की होती है, एडमिन को पता है किस टीचर के पास क्या टाइम अवेलेबल है, आप ये एडमिन से डिस्कस करो। कि वो जो भी उसकी टाइमिंग होगी वो एडमिन डिसाइड करती है कि किस टीचर से क्लास करवानी है और किस टाइम के ऊपर करवानी है, तो आप एडमिन से डिस्कस कर लो। क्योंकि वैसे भी ये मेरा लास्ट टॉपिक है ना, मुझे तो चार ही टॉपिक करवाने थे, दिस इज द लास्ट वन। अच्छा जी, तो आप परचेज गुडविल जब हम किसी कंपनी को खरीदेंगे तो खरीदते वक्त उसकी गुडविल भी एक्वायर की जाएगी। तो वो गुडविल जो होगी वो दो तरीके की हो सकती है, या तो पॉजिटिव गुडविल होगी, पॉजिटिव गुडविल बोले तो अच्छी रेपुटेशन, यानी कि जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी अच्छी रेपुटेशन, या फिर हम एक ऐसी कंपनी एक्वायर कर रहे हैं जिसकी बुरी रेपुटेशन है उसको कहा जाता है नेगेटिव गुडविल। अलहमद ओपन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप नंबर ले लो एडमिन का और एडमिन से कांटेक्ट कर लो, आपको बता देंगे क्या मसला है। तो पॉजिटिव गुडविल आ सकती है, नेगेटिव गुडविल आ सकती है। तो हमें कैसे पता लगेगा पॉजिटिव गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है? तो पॉजिटिव गुडविल कब आएगी? जब हम एक्सेस अमाउंट पे करेंगे ओवर नेट एसेट। यानी कि एक कंपनी हजार मिलियन की है, आपने उसको 1200 मिलियन दे दी है, तो आपने उसको 200 मिलियन जो एक्सेस अमाउंट पे किया है वो कहलाएगा पॉजिटिव गुडविल। पॉजिटिव गुडविल के लिए आप उसके नेट एसेट्स देखेंगे। नेट एसेट्स अगर 500 मिलियन के हैं और आपने उसको प्राइस पे की है फॉर एग्जाम्पल 550 की, तो सवाल ये पैदा होता है आपने 50 एक्स्ट्रा क्यों पे की है? सो दिस 50 मिलियन एक्सेस इज कॉल्ड व्हाट? इसको कहा जाएगा कि ये आपकी पॉजिटिव गुडविल है, उसकी अच्छी रेपुटेशन के लिए उसको हमने ज्यादा अमाउंट पे किया। और नेगेटिव गुडविल कब आती है? नेगेटिव गुडविल कब आती है? व्हेन लेस अमाउंट इज पेड। उसके नेट एसेट्स के मुकाबले में हमने उसको कम वैल्यू दी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के आपको नेट एसेट्स बताए जा रहे हैं कि कंपनी के नेट एसेट्स उसकी वर्थ 500 मिलियन है, आपने उसको खरीदने के लिए 450 मिलियन दिए, तो ये जो 50 का डेफिसिट आ रहा है ना, शॉर्टफॉल आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, इसको कहा जाएगा कि इस कंपनी के अंदर नेगेटिव गुडविल थी, तो आपने उसकी नेगेटिव गुडविल की वजह से उसको 50 कम पे किए। तो पॉजिटिव गुडविल की वजह से हमें ज्यादा देना पड़ता है और नेगेटिव गुडविल की वजह से हम उसे ये कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है, तो हम तुम्हें एक्वायर तो कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेंगे, तुम्हें कम अमाउंट पे करेंगे। अब बात ये आती है कि जब हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे तो पॉजिटिव गुडविल को कहाँ जाके रिकॉर्ड करेंगे और नेगेटिव गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो जो पॉजिटिव गुडविल होगी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और जो नेगेटिव गुडविल होगी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अच्छा, थोड़ी देर के लिए जरा अपने माइक्स वगैरह ऑन। ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव गुडविल। पॉजिटिव गुडविल जो एक्सेस अमाउंट हमने पे किया है, इससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है, तो हम पॉजिटिव गुडविल को बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ये बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट के तौर पे चला जाएगा। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट की लाइफ होती है लेकिन गुडविल की लाइफ जो होती है वो मेजरेबल नहीं होती। उसकी लाइफ को हम क्या कंसिडर करेंगे? इनफिनाइट कंसिडर करेंगे, नॉट मेजरेबल। क्योंकि लाइफ मेजरेबल नहीं हो सकती इसलिए गुडविल को हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते। गुडविल अमोर्टाइज नहीं होगी
क्योंकि अमोर्टाइजेशन उस एसेट की होती है जिसकी लाइफ मेजरेबल होती है, ये तुम लोगों को पता होगा, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव गुडविल है ना, तो वो पॉजिटिव गुडविल डैमेज हो सकती है, उस डैमेज को कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आपकी कभी गुडविल डैमेज हो गई तो आप उस डैमेज को लॉस रिकॉर्ड करेंगे एज एन इम्पेयरमेंट लॉस। सो पॉजिटिव गुडविल एसेट साइड के ऊपर जाएगी, पॉजिटिव गुडविल को एसेट साइड पे जाएगी, पॉजिटिव गुडविल की लाइफ इनफिनाइट होगी, अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे, और अगर पॉजिटिव गुडविल गिर जाती है तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर डाल देंगे। मसलन एक कंपनी को हमने एक्वायर किया और उसकी पॉजिटिव गुडविल क्रिएट हुई 100 मिलियन, तो ये 100 मिलियन हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ अरसे बाद उसकी गुडविल डैमेज हो गई और 20 मिलियन का गुडविल में डैमेज आया, तो हम कहेंगे गुडविल 20 मिलियन की इम्पेयर्ड हो गई है और हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 20 मिलियन, लॉस पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और गुडविल क्योंकि एसेट होता है तो गुडविल को 20 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी गुडविल 100 मिलियन से रिड्यूस होकर कहाँ आ जाएगी, 80 मिलियन की हो जाएगी। बस इम्पेयरमेंट को इतना ही डिस्कस करना है, इम्पेयर को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। और हो सकता है गुडविल इतनी डैमेज हो जाए कि ये जीरो भी हो सकती है। अगर नेगेटिव गुडविल आती है, वैसे तो आती नहीं है नेगेटिव गुडविल, ज्यादातर पॉजिटिव ही आती है, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि हमने एक कंपनी को खरीदने में उसके नेट एसेट्स थे फॉर एग्जाम्पल 500 मिलियन, और हमने जो प्राइस पे की उसको खरीदने के लिए वो प्राइस पे की 450 मिलियन, तो ये 50 मिलियन का हमें बेनिफिट हुआ, प्राइस कम पे की हमने। इस बेनिफिट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? इस बेनिफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड करेंगे। सो नेगेटिव गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है? नेगेटिव गुडविल को इनकम के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस 50 मिलियन को हम ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, किस नाम से? नेगेटिव गुडविल के नाम से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रीटमेंट, अगर क्लियर है तो मैसेज करें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, ताकि मैं अब कैलकुलेशन सिखाऊं कि गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, क्योंकि एग्जाम में आपका सवाल सबसे ज्यादा फोकस गुडविल की कैलकुलेशन पर होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, कंसोलिडेशन आपको अच्छी करनी है ना, तो उसकी टिप ये है कि कंसोलिडेशन में फॉर्मेट्स होते हैं कैलकुलेशन के ना, गुडविल कैसे निकाली जाएगी। पहले तो हम उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद कर लें, और फिर ये देखें उन फॉर्मेट में जो डेटा आ रहा है ना वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, और उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, तो आपको कंसोलिडेशन ईजिली समझ में आ जाएगी। कंसोलिडेशन है क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अच्छा स्टेप्स जो मैंने यहाँ लिखवाए थे ना बैलेंस शीट बनाने के, ये स्टेप्स हम थोड़ी देर के बाद फॉलो करेंगे जब हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, सही है? लेकिन इसके अंदर हमें डायरेक्टली जंप करके जा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ जा रहा हूँ? पांचवे स्टेप पे जा रहा हूँ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब है गुडविल अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 ये चार चीजें होंगी तो मैं गुडविल कैलकुलेट कर सकता हूँ, वरना मैं गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ गुडविल की कैलकुलेशन के, पहले वो सिखाता हूँ तुम लोगों को, जब गुडविल पक्की हो जाएगी दूसरी चीजें आ जाएंगी तो फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते, देखिए गुडविल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले लेंगे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी। पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है
वो कितनी है वो लेंगे, फिर उसके अंदर ऐड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, यानी के जो एनसीआई के पास शेयर्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो ऐड करेंगे। ये आ गई हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट एंड एनसीआई इन सब्सिडरी, और इसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडरी के जितने भी नेट एसेट्स हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। ये हो गया इसका फॉर्मेट, ये इसमें से माइनस कर दें। माइनस करने के बाद आंसर आएगा, और वो आंसर पॉजिटिव गुडविल भी हो सकती है और वो नेगेटिव गुडविल भी हो सकती है। तो तीन चीजों पे फोकस करें, पहली मुझे क्या चीज चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज क्या चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, तीसरी चीज क्या चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। ये तीन चीजें जब तक मेरे पास नहीं होंगी, सवाल में दी हुई होंगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन कितनी है। नहीं दी हुई होगी तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये यूजुअली कैलकुलेट करनी होती है, इसको हमें कैलकुलेट करना होता है, इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। अच्छा, तुम लोगों को ये पता है नेट एसेट्स क्या होते हैं, नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, नेट एसेट्स निकालते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नेट एसेट्स को इक्विटी भी कहा जाता है, ये हमने रेशियोज में भी पढ़ा था। सो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर देंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। अब पहले तो करते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल और फिर इसकी कैलकुलेशन वाली एग्जाम्पल करते हैं, ताकि गुडविल हमारी अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। एबीसी को एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजी को ऑन 1st January 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 500,000 डॉलर। क्या पता लगा हमें कि हमारी परसेंटेज कितनी है, हमने उसके कितने शेयर्स एक्वायर किए, कब एक्वायर किए, कितनी कॉस्ट पे एक्वायर किए। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कितने शेयर्स एक्वायर किए, कब एक्वायर किए, और कितना पैसा देकर एक्वायर किए, ये काम की चीजें आ गई। सही है, उस डेट के ऊपर जितना भी एनसीआई के पास शेयर्स थे उसकी वर्थ कितनी थी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वॉज 1,40,000। ऑन 1st January 2019 नेट एसेट ऑफ XYZ को वर 3,80,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन 1st January 2019, दैट इज एक्विजिशन। जिस डेट के ऊपर खरीदेंगे उसी डेट के ऊपर गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब इसमें सारी चीजें पक्की पकाई दी हुई हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट लगाना है और डेटा ढूंढना है और डेटा ढूंढकर फिट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हमने 80% शेयर्स एक्वायर किए एक कंपनी के 5,00,000 देकर, एनसीआई की वैल्यू हमें पता है, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी की वैल्यू हमें पता है कि उसकी वर्थ कितनी थी। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए।
सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? पेरेंट कर रहा है। तो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख की। ये 5 लाख की पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। सवाल में ये गिवन होगी, आप लोगों को कैलकुलेट नहीं करनी है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन वॉज 1,40,000, ये मैंने यहां पर प्लस कर दी और टोटल वैल्यू हो गई 6,40,000। 80% शेयर्स पेरेंट के पास हैं, 20% शेयर्स एनसीआई के पास हैं, 100% शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6,40,000। माइनस कर दें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, और ये कितने दिए हुए सवाल में? ये दिए हुए 3,80,000। तो ये 3,80,000 हमने यहां से ये माइनस कर दिए, डिफरेंस निकालें 20,000 और 2,40,000। सो तकरीबन आपका हो गया 2,60,000। 2,60,000 एक्सेस वैल्यू आ रही है, यानी कि उसकी नेट एसेट की वैल्यू 3,80,000 थी, हमने उसको दिया कितना? 6,40,000। तो एक्सेस वैल्यू आ गई 2,60,000, और इस एक्सेस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इट्स पॉजिटिव गुडविल। और पॉजिटिव गुडविल को मैं इंटेंजिबल एसेट के तौर पर बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करता हूं। इस कैलकुलेशन पे कोई मसला? बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, फॉर्मेट में ए बी सी तीन चीजें उठाएं, प्लस माइनस करें, आंसर निकाल दें। लेकिन एग्जाम में पक्की पकाई नहीं मिलेंगी, खासतौर पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, ये निकालना पड़ेगा, इसी को सीखना है कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। चले आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल और करते हैं, नेगेटिव गुडविल की एग्जाम्पल करते हैं। एबीसी को एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ एक्स वाई जी को ऑन 1st January 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 3,50,000 On 1st January 2019, fair value of NCI was 1,50,000. Fair value of net asset of subsidiary were 6,50,000. Calculate goodwill on 1st January 2019. So सबसे पहले तो आप देखें परसेंटेज कितनी है। एबीसी ने कितने परसेंटेज शेयर्स एक्वायर किए, कब एक्वायर किए, कितना देके एक्वायर किए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? व्हाट इज डेट ऑफ एक्विजिशन? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1st January 2019। अब हम इसको फॉर्मेट में डालते हैं। फॉर्मेट अगर याद होगा
तो उस फॉर्मेट को लिख लें और फॉर्मेट को देखकर डेटा आइडेंटिफाई करें। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पेरेंट कंपनी की है 3,50,000। उसमें ऐड करें, क्या ऐड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, वो ऐड कर लें, वो आ गई 1.5 लाख, 1,50,000। सो टोटल इन्वेस्टमेंट बाय बोथ द पार्टीज मिलकर 5 लाख की इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। इस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, एट एक्विजिशन, ये सवाल में दी हुई है 6,50,000, माइनस कर दें। जब आपने माइनस किया तो आंसर किस में आया, आंसर आ गया माइनस में। माइनस में आने का मतलब क्या है, इट्स अ नेगेटिव गुडविल। और नेगेटिव गुडविल को एसेट नहीं कहेंगे, नेगेटिव गुडविल को क्या कहेंगे, नेगेटिव गुडविल कहलाएगी कि ये आपके लिए अदर इनकम है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लेकर जाएंगे अदर इनकम, बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगी। यहां तक किसी का कोई सवाल, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स करवाइए मैंने अब तक, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बच्चों वाली जो कैलकुलेशन है, ताकि पहले तुम एक बेसिक पे ग्रिप ले आओ, फिर हम वन बाय वन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस डालेंगे और कॉम्प्लिकेट करते करते फिर फाइनली बैलेंस शीट तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि डेटा दिया हुआ होगा सब्सिडरी का, और वहां से आपको ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, इसकी वर्किंग कर लेंगे। देखिए नेट एसेट्स का मतलब क्या है, नेट एसेट्स का मतलब समझ लें आप, नेट एसेट्स का मतलब क्या है, दो तरीके होते हैं नेट एसेट्स निकालने के। एक नेट एसेट निकालने का तरीका होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, सब्सिडरी के टोटल एसेट्स लें और उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सब्सिडरी की इक्विटी साइड उठा लें, नेट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, तो वो भी नेट एसेट्स के बराबर होगी। हमें एग्जाम में वो ये तरीका का डेटा प्रोवाइड करता है, पर नाम पहले तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो मैं इक्विटी वाले तरीके से निकालूंगा। तो अगर मुझे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन चाहिए तो मैं सब्सिडरी की इक्विटी साइड के ऊपर चला जाता हूं और वो पूरी की पूरी उठा लेता हूं। तो उसकी इक्विटी साइड के ऊपर मुझे क्या क्या मिलेगा, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल। अब जिसने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हुआ होगा उसको ये बात पता होगी कि शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, उसके लिए रेलेवेंट है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो सबर करें, शेयर प्रीमियम उठा लूंगा उसका, उसके पास अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा वो उठा लूंगा। डेट चेक करें कौन सी डेट पे उठाना है, एक्विजिशन पे उठाना है। और उसके बाद फाइनली रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट। अब जरूरी नहीं सारी चीजें एग्जाम में दी जाए, इनमें से कोई भी चीज होगी तो हम सब उठा के यहां पर प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा,
फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन. शेयर कैपिटल तो मस्ट है और रिटेन अर्निंग तो मस्ट है, ये तो हर कंपनी में होती है, बाकी बीच की दो चीजें होना जरूरी नहीं है. तो जब आपको वो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देगा तो आप उसके नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी निकालने के लिए उसका शेयर कैपिटल ढूंढेंगे. किसका? सब्सिडरी का. सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ढूंढेंगे एक्विजिशन डेट पर, उसका प्रीमियम ढूंढेंगे, उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व ढूंढेंगे, उसके बाद रिटेन अर्निंग कितनी थी वो ढूंढेंगे, और उसके बाद फिर आप गुडविल की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं. आप इसके इसको बेस बनाकर एग्जांपल करते हैं, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं कैलकुलेशन में. आज मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा था फरमाइशी प्रोग्राम पे, चले जी अब जरा थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन करते हैं. एबीसी को एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एक्स वाई जी को ऑन 1st January 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ 6,80,000. Fair value of NCI was 1,60,000. पहले तुम लोग मेरी एग्जाम्पल करोगे ना, बेसिक्स की जितनी भी मैंने एग्जाम्पल करवाई है, जब तक मैं कहूँ ना कि भाई आप कंसोलिडेशन के किट की एग्जाम्पल पर आओ, वो मैं करवाऊंगा पहले खुद एग्जाम्पल, फिर आप उसकी किट के और उसके लॉन्ग क्वेश्चन करोगे. 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, चांसेस यानी कि मोस्ट लाइकली. सो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 1,60,000 ऑन 1st January 2020. नेट एसेट्स ऑफ एक्स वाई जी कंप्राइजेज ऑफ, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा बल्कि आपको ये बता रहा हूँ कि उसके पास नेट एसेट्स कितने थे. तो उसके पास शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू देखनी पड़ती है, $1 पार वैल्यू, और शेयर कैपिटल उसके पास था 2,00,000 का. उसके पास शेयर प्रीमियम था पड़ा हुआ है सब्सिडरी के पास 1,00,000 का, और उसके पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है. डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेट किस डेट के ऊपर हमें ये चाहिए. उसके पास रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है 1,50,000 की. कहिए जी कैलकुलेट गुडविल एट एक्विजिशन. एक्विजिशन डेट क्या है? 1st January 2020. तो पिछली एग्जांपल में मैंने डायरेक्ट नेट एसेट्स की वैल्यू दे दी थी, अब मैंने नेट एसेट्स का ब्रेकअप दे दिया. ये एक साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा एग्जाम में, इधर उधर हुआ हुआ होगा, आपको खुद से ढूंढना है कि सब्सिडरी का कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है, रिटेन अर्निंग कितनी है, अब इसको जॉट डाउन करना एक जगह के ऊपर और फिर निकालना. तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे गुडविल निकालने के लिए, हमने फॉर्मेट बनाया. फॉर्मेट तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के एंड पे तुम्हें याद हो जाएगा. सबसे पहले क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर ऐड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, और उसमें से माइनस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन. सही है, तीन चीजें चाहिए. सवाल में ढूंढते हैं, तीन चीजें अवेलेबल हैं. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6,80,000 की, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है 1,60,000 का. सो 6,80,000 यहाँ आ गए और 1,60,000 यहाँ आ गए, इन दोनों को प्लस करो तो 680 में 60,000 ऐड करेंगे तो 7,40,000 हो जाएंगे, 8,40,000 हो जाएंगे, 8,40,000 ही आ गए.
फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन. अभी डायरेक्टली तो हमें नहीं दिए हुए कि कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वर्किंग करेंगे फेयर वैल्यू की. ठीक है, वर्किंग करेंगे तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख. ये जमा किया हमने 2 लाख. सब्सिडरी के पास कोई प्रीमियम है, यस 1 लाख. सब्सिडरी का प्रीमियम 1 लाख. कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, नो. रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है 1,50,000 की. याद रहे एक्विजिशन डेट के ऊपर, फर्स्ट जिस डेट के ऊपर एक्वायर किया है, सही है. सो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास आ गया जनाब इसका आंसर 3,04,50,000. 4,50,000 की वर्थ है एक कंपनी की, और आपने उसको एक्वायर करने के लिए 8,40,000 पे कर दिया. तो पॉजिटिव गुडविल आएगी, नेगेटिव गुडविल आएगी. एक्सेस अमाउंट पे किया तो आपकी पॉजिटिव गुडविल आ गई. डिफरेंस निकाल लें तो आपके पास पॉजिटिव गुडविल आ गई. 4,50 और 8,40 का डिफरेंस निकालेंगे तो 3,90,000 बनेगा. 3,90,000 की पॉजिटिव गुडविल एट एक्विजिशन. और क्योंकि ये पॉजिटिव गुडविल है तो पॉजिटिव गुडविल को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे कैसे, एज एन इंटेंजिबल एसेट. बात समझ नहीं आई. बोले बोले क्या समझ नहीं आया. ये एक कंपनी गुडविल 4.5 लाख थी, मगर हमने उसको 8,40,000 में बाय किया है, ये हमारे नेगेटिव नहीं हुई. एक कंपनी की गुडविल नहीं, एक कंपनी के पास एसेट्स थे 4,50,000 के, हमने उसको 8,40,000 में एक्वायर किया, ज्यादा देकर एक्वायर किया. तो सवाल ये पैदा होता है कि मैंने उसे ज्यादा क्यों दिया, किस चीज के लिए दिए ज्यादा 3,90,000 रुपए, सोचो. 3,90,000 तुमने क्यों दिए उसको ज्यादा, क्योंकि उसकी गुडविल है, गुडविल तो नजर नहीं आती ना. तो वो आपसे कह रहा है भाई मेरी कंपनी की वैल्यू 4,50,000 रुपए है एसेट्स के साइड में, लेकिन मैं ज्यादा में बेचूंगा, 3,90,000 रुपए जो और दो, किस चीज के, गुडविल के. आपने कहा गुडविल तो नजर नहीं आती, उसने कहा जो मेरी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन है उसकी एक वैल्यू है, लाओ उसके पैसे दो. तो आपने कहा चलो ठीक है यार, 4,50,000 एसेट्स के लो और 3,90,000 गुडविल के लो, 8,40,000 को इंजॉय करो. ठीक है देखो ये जितनी भी बड़ी बड़ी मशहूर कंपनीज होती है ना, जैसे जे डॉट पाकिस्तान में सक्सेसफुल ब्रांड है ना, उसकी भी एक गुडविल है, सही है. लेकिन उसकी जो अपनी गुडविल है ना वो इंटरनली जनरेटेड है. जब कोई उसको खरीदने जाएगा ना, तो खरीदने वाला जब उसको खरीदेगा तो लाजमी बात है वो, अगर उसके एसेट्स 10 करोड़ रुपए के हुए तो आपको 10 करोड़ में तो नहीं बेचेगा ना. आपने उससे पूछा यार तुम्हारे तो एसेट 10 करोड़ रुपए के, कितने में बेचोगे, उसने कहा 12 करोड़ में, तो आपको 2 करोड़ किस चीज के, उसने कहा गुडविल के, समझ गए. एक सवाल स्टूडेंट पूछते हैं जो तुम में से किसी ने नहीं पूछा, कि सर नेगेटिव गुडविल वाली कंपनी को कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेंगे. सरप्राइजिंगली दुनिया में पॉजिटिव गुडविल वाली कंपनी को कम खरीदा जाता है, नेगेटिव गुडविल वाली कंपनीज को ज्यादा खरीदा जाता है. सो नेगेटिव गुडविल वाली कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो लॉसेस में जा रही होती हैं, तो उनको इसलिए खरीदती हैं कंपनीज ताकि उनको ठीक करके, टिप टॉप करके अच्छा किया जा सके. वो लॉस में इसलिए जा रही होती है कि उस कंपनी की मैनेजमेंट उसको चला नहीं पा रही होती. जैसे मैं ऐसी ऑकवर्ड एग्जांपल दूं, अलहमद की एग्जांपल दूं, ठीक है. अलहमद क्या है, अलहमद एज एन इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा दूसरे इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में थोड़ा सा टफ टाइम मिल रहा है अलहमद को, ये तुम्हें पता होगा, नजर आता होगा. तो ताबानीज थोड़ा सा आगे CA के अंदर और दूसरा आगे. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ताबानीज अलहमद को खरीदना चाहे, तो
अगर अलहम की पॉजिटिव रेपुटेशन होगी तो ताबानीज को पॉजिटिव गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर अलहम की नेगेटिव गुडविल होगी तो ताबानीज उसके पैसे कम लगाएगा। लेकिन फिर करेगा पता क्या, उसमें जो डेफिशिएंसी होगी ना उसको ओवरकम करेगा। मसलन अगर वहां पर बच्चे नहीं आ रहे फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर कोई ऐसा करेगा, एडमिन चेंज करेगा, टीचर्स चेंज करेगा, कुछ ऐसा करके ताकि जो कंपनी बुरी चल रही है ना उस कंपनी को किसी तरीके से अच्छा करके दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। ये साइंस है पूरी एक कंपनी खरीदने की और बेचने की। खैर अभी तुम लोग अभी क्या समझोगे, अभी तुम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है सही मानो में ऐसी सी। चले जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कैलकुलेशन ठीक है तो मैं आगे बढ़ूँ। ये बेसिक गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया हमने, ये सारा हमने जो ना एक बेसिक फिनोमेना बिल्कुल मैंने इजीली इजी टू अंडरस्टैंडेबल वे के अंदर समझाया है। कोई भी पहली मरतबा अभी पढ़ेगा ना इसको तो वो आराम से समझ सकता है कि यार गुडविल वगैरह कैसे कैलकुलेट होती है। ये सब तो आराम था, मतलब इतना कोई इतना मुश्किल नहीं था। पेपर में आपको पता है पेपर कितना एक्सट्रीम पे बन के आता है, तो मुझे नहीं पता है कि F3 का किस लेवल पे बन के आएगा और कितना पजल हो सकता है। अभी आ रहा है ना पजल, इसमें अभी तो शुरू आई है। अच्छा चलें कंटिन्यू। देखो पेपर में कोई पजल वजल नहीं होता, पेपर में स्टूडेंट जब फेल होता है ना वो दो वजह से फेल होता है। एक तो उसके कॉन्सेप्ट टीचर ने क्लियर नहीं करवाए होते पहली बात, दूसरी वजह होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि जिस टाइप के सवाल आने हैं ना पेपर में आपने वो टाइप के सवाल नहीं किए, आपने ऊपर ऊपर से करके चले गए बेसिक बेसिक बेसिक, और टीचर जो एग्जामिनर है ना वो मैथमेटिक्स में डेटा के अंदर उल्टा सीधा घुमाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, ओपनिंग अलाउंस होता है फिर क्लोजिंग अलाउंस होता है, उसने आपसे क्लोजिंग अलाउंस दे दिया और पूछ लिया ओपनिंग अलाउंस बताओ कितना था। अब ये कोई कॉन्सेप्ट कोई है, ये तो मैथमेटिक्स है, लेकिन स्टूडेंट चकरा जाता है, कहता हमने तो क्लास में सारे सवालों में क्लोजिंग निकाला परसेंटेज लगा के, इसने ओपनिंग पूछ लिया। तो भाई मसला क्या, अगर ओपनिंग दे के क्लोजिंग निकाल सकते हैं तो क्लोजिंग दे के ओपनिंग भी निकाल सकते हैं। अगर कैरेट फॉरवर्ड निकालता हूँ और कैरेट फॉरवर्ड दे दिया जाए तो ब्रॉड फॉरवर्ड निकालने में रिवर्स वर्किंग हो जाएगी। अगर बैंक रिकंसिलेशन में मैं बैंक बैलेंस निकालता हूँ तो बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का बैलेंस निकाल सकता है। तो स्टूडेंट को थोड़ी सी डिटेल्ड में प्रैक्टिस करनी चाहिए, सही है, ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तब जाके स्टूडेंट पास हो जाता है, सही है। सारे टीचर, अच्छा टीचर एक ही होता है ना, टीचर एक ही होता है, उसका एक स्टूडेंट है उसके 98 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 90s आ रहे हैं, किसी के 70s आ रहे हैं, एक बच्चा उसके 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो बच्चा जिसके 20 मार्क्स आ रहे हैं या 30 मार्क्स आ रहे हैं जो फेल हो रहा है ना वो फोकस ही नहीं कर रहा। अगर आप फोकस करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो तो F1, F2, F3 ये बच्चों वाले पेपर होते हैं, ये नहीं फेल होने चाहिए। फेल हो ना बंदा, पार्ट टू में जाके फेल हो, पार्ट थ्री में जाके फेल हो तो थोड़ा समझ में भी आता है। जो लोग MA1, FA1, MA2, FA2 में फेल हो रहे ना वो फिर सोच लेंगे वो आगे इसी से में क्या करेंगे जाके। अब जैसे कोई मेडिकल बैकग्राउंड का आ गया ना, उस बेचारे को अकाउंटिंग पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आ गया, तो मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो अकाउंटिंग वॉज अ डिजास्टर फॉर मी, बहुत मसाइल हुए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस 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 कर करके अल्लाह का शुक्र है मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ और बहुत सो से बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, तो प्रैक्टिस की ना भाई आ गई ना। तो जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होकर आज अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल फॉलो करो पता लग जाएगा तुम्हें कितने फॉलोवर्स हैं और कितने लोग कहाँ कहाँ से उसको वॉच करते हैं। तो इसका मतलब है ना मैंने भी तो मेहनत की ना भाई। अब आप आज थोड़ी सी एफर्ट मारेंगे ना तो ये पेपर आपके लिए मसला ही नहीं है, मसला हल हो जाएगा। तो वो लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनको सबसे ज्यादा हर्डल F3 के पेपर में हाई हाई कर रहे होते हैं डेबिट क्रेडिट में इधर उधर, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो तुम लोग भी कॉमर्स वालों की तरह F3 के स्टूडेंट F3 में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, मसला ही नहीं, मेहनत तो करो ना भाई। दोबारा बोले आवाज अटक रही है थोड़ी सी, इंटरनेट का मसला डिस्टॉर्शन हो जाती है, मतलब कि आप एक रूटीन होता है ना तो अब सही है, ये सब चीजें सॉल्व हो जाती है। अब स्ट्रीम खुला हुआ होता है ना तो एक रूटीन में होता है, एक लाइब्रेरी जा रहे होते हैं तो एक रूटीन होता है कि पेपर देना है, प्रेशर होता है। अब ऐसा हो गया कि घर पे बैठे बैठे सर रहे हैं और बिस्तर पे ही सर रहे हैं और उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, पागल हो जाता है बैठे बैठे।
भाई ये तो लिमिटेशन है ना, अब ऐसा हो गया अभी। इस लिमिटेशन में अब क्या करें, ये तो मजबूरी है सबके लिए, सबके लिए लिमिटेशन मुसीबत है। ये तो खत्म होगी, अभी टाइम लगेगा 2-2.5-3 महीने, फर्दर मोर 5 महीने भी लग सकते हैं, और पाकिस्तान में लगता है ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो लिमिटेशन है, आप इस लिमिटेशन को ओवरकम करें, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो फिर फिजिकल क्लासेस भी रिस्टोर हो जाएंगी दोबारा। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर आ जाते हैं, स्टेप्स पे चलते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो स्टेप्स पे चलते हैं। हाउ टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है एक अदद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। जब एक बंदा सिंगल बैलेंस शीट बना सकता है तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना सकता है, मसला नहीं, लेकिन उसको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, आप जरा फोकस करें स्टेप पे। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है। F3 के लेवल पे ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर में किस चीज को बोल रहे, देखें ये है ग्रुप स्ट्रक्चर, ये है ग्रुप स्ट्रक्चर। ए कंपनी ने बी कंपनी के 90% शेयर्स एक्वायर किए, बताएं एनसीआई कितना होगा, परसेंटेज बताएं एनसीआई की, इसको कहते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। तो ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, 2 सेकंड में पता लग जाता है, यानी कि पहला स्टेप आपका तो सवाल में डायरेक्टली आपको पता होता है पेरेंट ने कितने एक्वायर किए हैं, जितना पेरेंट ने एक्वायर किया है उसका रिमेनिंग पार्ट आप एनसीआई के लिए डाल देते हैं कि ये एनसीआई के पास है, इसको कहते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक सेकेंड जनाब, जस्ट अ मिनट वेट करें, जरा थोड़े से 2 मिनट रुकें, थोड़ा सा इंटरनेट ने झटका मारा है, 2 मिनट जस्ट वेट। हाँ जी, अब मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को। दूसरा स्टेप हमारा होगा, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पेरेंट ने सब्सिडरी को जो शेयर्स खरीदे हैं तो उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट कितने की। अब इस इन्वेस्टमेंट पे बात कर लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, देखें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे सिलेबस में टेंशन नहीं है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हल्की पुल्की कैलकुलेशन वो आपसे करवा सकता है। देखें जब पेरेंट सब्सिडरी को खरीदेगा ना तो वो जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट का मोड क्या होगा, कैसे पेमेंट करेगा पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को। हमारे सिलेबस में एक मोड क्या हो सकता है, क्या आप कैश दे दें, दूसरा मोड क्या हो सकता है जिसको कहते हैं शेयर एक्सचेंज, ये टेक्निकल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि शेयर एक्सचेंज कैसे करते हैं और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नॉर्मली जब आप एक कंपनी को खरीदते हो तो उसके शेयर होल्डर्स को आप कैश भी दे सकते हो, अपने शेयर्स भी दे सकते हो, कुछ कैश भी दे सकते हो, कुछ शेयर्स भी दे सकते हो, मिक्स प्लेट इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है। ज्यादातर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स गिवन होता है, कभी कभार वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर उसे करवानी होगी तो वो कैलकुलेशन किसकी करवाएगा, आपको जहमत देगा कि यार इसकी जरा कैलकुलेशन कर दो, तो आपको जहमत थोड़ी एंड में इस पर बात करेंगे कि शेयर एक्सचेंज कैसे निकालते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, नेक्स्ट स्टेप, ये आपको गिवन होगा, ये कभी कैलकुलेट करने को नहीं दिया जाएगा, गिवन इन क्वेश्चन, ये आप ढूंढेंगे सवाल में कहां दिया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, और उसके बाद
अगले स्टेप के अंदर आप क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। ये मैंने सिखा दिया है, फॉर्मेट बना के इसका मैंने फॉर्मेट बना के सिखा दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ये देखें, ये मैंने आपको शुरू में ये बताया था, ये देखें ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, शेयर प्रीमियम ऑफ सब्सिडरी, रिवैल्यूएशन, रिटेन प्रॉफिट। ये करके आप चार स्टेप्स तक पहुंच गए, और जब ये चार स्टेप्स पूरे हो गए तो आपने अपना मतलूबा स्टेप कौन सा निकाला, फिर आपने गुडविल कैलकुलेट की जो तरीका मैंने आपको बताया था। तो मैंने डायरेक्ट जंप करके तुम्हें पांचवे पे लेकर आया, वहां से गुडविल सिखाई, लेकिन उस गुडविल की प्री रिक्विजिट क्या है, 1, 2, 3, 4, तब जाके आपकी गुडविल निकलेगी, पॉजिटिव गुडविल होगी या नेगेटिव गुडविल आएगी। यहां तक कहानी हमारी हो चुकी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जब आप गुडविल निकाल लेते हैं ना, तो गुडविल निकालने के बाद बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं। अभी मैं सारी वो एडजस्टमेंट बाईपास करके जा रहा हूं, सवाल में कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रहा। तो गुडविल निकालने के बाद एडजस्टमेंट्स को मैंने स्किप कर दिया, तो अब आपके पास दो चीजें और आपको चाहिए। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको रिटेन अर्निंग चाहिए, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वैल्यू निकालनी है। ये निकालना थोड़ा सा एक फॉर्मेट के हिसाब से हम सीख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैसे निकालेंगे, एनसीआई कैसे निकालेंगे, फिर एक सिंपल सी बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाएगी। पहले इसकी वर्किंग पे फोकस करें, गुडविल की वर्किंग पे, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की वर्किंग पर और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग पर, इन तीन चीजों पे फोकस करें। तो हमारी नेक्स्ट वर्किंग आफ्टर गुडविल क्या चीज मैं स्किप कर रहा हूं फॉर द टाइमिंग, छठा स्टेप बीच में से स्किप कर रहा हूं। छठा स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स का, और ये एडजस्टमेंट फॉर द टाइमिंग में स्किप करके आगे बढ़ना, और हम चल रहे हैं सातवें स्टेप्स के ऊपर कि हमें क्या निकालना है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, यानी कि पेरेंट और सब्सिडरी की कंबाइंड रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग। अब इसका फॉर्मेट पे काम करते हैं। पहले इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये निकालने के लिए एक फॉर्मेट बना रहा हूं। सबसे पहले हम लेंगे पेरेंट की रिटेन अर्निंग, एट बैलेंस शीट डेट, एक्विजिशन पे नहीं लेंगे, बैलेंस शीट डेट के ऊपर लेंगे, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर लेंगे। सवाल में दी हुई होगी हमेशा। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे शेयर ऑफ सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। नाउ दिस इज टफ समझने के लिए कि ये क्या है, निकाला और इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ये तो इसका फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट ऑब्वियसली फॉर्मेट लिख के समझ में आ गया आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, दो तीन एग्जांपल करेंगे, ढूंढेंगे डेटा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। लेकिन एक चीज बड़ी फोकस करने वाली है कि ये जो सातवां स्टेप हम कर रहे हैं ना, इसकी डेट क्या होगी, ये हम बैलेंस शीट डेट के लिए कर रहे हैं, एक्विजिशन पे सिर्फ हम गुडविल निकालते हैं, बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए देखें आप सवाल में, जब मैंने पेरेंट की रिटेन अर्निंग लिखी तो वो भी रिपोर्टिंग डेट पर है, और सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग मैंने रिपोर्टिंग डेट पर नहीं लिखी, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर। ये क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट।
इसको समझे पहले पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, कॉन्सेप्चुअली समझे। स्टूडेंट इसको रट्टा मार लेते हैं और फिर एग्जामिनर सवाल में घुमा देता है और वो घूमते रहते हैं कि ये चक्कर क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है। देखें पोस्ट समझे, पोस्ट का वैसे मतलब पता है क्या, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट जैसे आजकल तुमने सुना होगा ना कोरोना का प्लाज्मा बिक रहा है, कोरोना होने से पहले कोरोना होने के बाद। एक बंदे ने मैसेज डाला हुआ किसी को कि यार प्लाज्मा चाहिए, उसने कहा मैं बेचूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरा जब कोरोना चल रहा था मेरे 4 लाख रुपए खर्च हो गए अस्पताल में, तो मैंने तो कॉस्ट लग गई ना, मैं तो रिकवर करूंगा, प्लाज्मा चाहिए लाओ 2.5 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो। पाकिस्तान में ये चल रहा है आजकल। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सो देखें सब्सिडरी का रिटेन अर्निंग एक्विजिशन पे थी, जब हमने उसको खरीदा तो उसकी रिटेन अर्निंग आइडेंटिफाई कर ली। एक्विजिशन पे उसकी रिटेन अर्निंग थी 100 की, फिर उसकी रिटेन अर्निंग आइडेंटिफाई करें एट रिपोर्टिंग डेट, एट बैलेंस शीट डेट, वो आ गई 150, वो आइडेंटिफाई करें। ये दोनों आइडेंटिफाई कर ली। अब ये देखें कि सब्सिडरी की जो एक्विजिशन के ऊपर रिटेन अर्निंग थी 100 थी और बैलेंस शीट डेट पे कितनी हो गई 150, तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया, डिफरेंस निकालें। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यानी कि जिस वक्त हमने उसको एक्वायर किया उस वक्त उसके पास 100 था, 100 मिलियन थे, और अब बैलेंस शीट डेट के ऊपर 150 मिलियन की रिटेन अर्निंग उसकी हो चुकी है, तो एक्वायर करने के बाद से लेकर रिपोर्टिंग डेट पर सब्सिडरी ने एडिशनल कितना कमाया, तो सब्सिडरी ने एडिशनल कमाया 50 मिलियन। इस एडिशनल 50 मिलियन के ऊपर ना पेरेंट कहेगा मेरा हिस्सा भी है, सब्सिडरी एनसीआई कहेगा मेरा हिस्सा भी है। अगर पेरेंट ने 80% एक्वायर किया तो पेरेंट कहेगा ये 50 में 80% मेरा है, एनसीआई कहेगा इस 50 के अंदर 20% मेरा है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। फिर एक सवाल जहन में आता है कि सर क्या पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, और कर लेते हैं। देखें एक कंपनी के पास जब आपने उसको एक्वायर किया तो उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन थी 100 मिलियन, और बदकिस्मती से जब आप बैलेंस शीट डेट के ऊपर पहुंचे तो उसकी रिटेन अर्निंग गिर गई 80 मिलियन की हो गई। अब बताएं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? अब लॉस आ गया कितना, 20 मिलियन। सो ये डिफरेंस निकाल रहा हूं ना मैं, डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा पोस्ट एक्विजिशन या फिर पोस्ट एक्विजिशन लॉस होगा। सो मैंने जब फॉर्मेट तुम लोगों को बताया तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देता हूं, तो लॉस होगा तो माइनस कर दूंगा सिंपली। अब आप इस फॉर्मेट में फोकस करें और मैं एक एग्जांपल करवाता हूं और हम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करें। एनसीआई कितना होगा, परसेंटेज अच्छा मेरी अगली क्लास जो होगी ना उसके लिए बहुत जरूरी है, थर्सडे वाले दिन जो क्लास होगी, कि तुम लोगों ने ये आज वाला जो लेक्चर है
वो बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ, वरना अगली क्लास में ब्लैंक बैठे हुए हो गए, क्योंकि अगली क्लास में मैं इसकी एडिशनल चीजें करवाऊंगा, समझ गए? यहाँ तक का जो डेटा भी आपके सामने लिखा हुआ है ना, इससे आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, सही? December 31, 2019 पे रिटेन अर्निंग एबीसी की और एक्स वाई जी की 3 लाख और 2 लाख मौजूद है। कैलकुलेट गुडविल ऑन 1 January 2019 एंड 31 December 2019। गुडविल हमेशा एक्विजिशन पे निकलेगी और कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हम बैलेंस शीट डेट के ऊपर या रिपोर्टिंग डेट के ऊपर निकालेंगे। अब ये डेटा थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें गुडविल का डेटा भी है और रिटेन अर्निंग का डेटा भी है, तो इसको सवाल को जरा थोड़ा सा रिकॉल अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट के अंदर डेटा डालेंगे, वैल्यूएशन निकल आएगी। तो देखें पेरेंट कंपनी कौन सी है, पेरेंट कंपनी हो गई एबीसी। इसने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, 60%। किसके शेयर्स एक्वायर किए हैं, एक्स वाई जी के। तो एक्स वाई जी बन गई सब्सिडरी कंपनी। किस डेट पे एक्वायर किए हैं, ये डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 4 लाख। NCI की वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 2,20,000। रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की एक्विजिशन के वक्त कितनी थी, 1 लाख। शेयर कैपिटल उस पर कितना था, 3 लाख। ये तो गुडविल की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। बैलेंस शीट डेट के ऊपर जब पहुंचे तो एबीसी यानी के पेरेंट कंपनी और एक्स वाई जी यानी के सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग 3 लाख और 2 लाख हो चुकी है बैलेंस शीट डेट के ऊपर, और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी है कॉन्सोलिडेट। सबसे पहले तो मैं गुडविल निकाल लेता हूँ। गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिटेन अर्निंग फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं नहीं फॉर्मेट। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, देखो जब तक फॉर्मेट पे नहीं काम करोगे ना, फॉर्मेट याद नहीं होगा ना, टेंशन हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फॉर्मेट ऐसा रटा हुआ होना चाहिए, अम्मी अब्बू का नाम भूल जाओ, फॉर्मेट ना भूलो। और इसमें से माइनस कर देंगे
ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में डेटा ढूंढ लेते हैं सवाल में जाके कि क्या हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है, नहीं होगा तो कैलकुलेशन कर लूंगा सिंपल। तो मैंने ये डेटा ढूंढना शुरू किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है 2,20,000, तो ये तो आ गई 4 लाख और ये आ गई 2,20,000, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई दोनों की मिलाकर 6,40,000, सही है। अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ, यहां पर मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन निकालने के लिए मुझे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल चाहिए, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख लिया, कोई प्रीमियम नहीं है इसके अंदर, नथिंग, शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं दिया हुआ, तो फिर हम देखेंगे रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन, रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग है 1 लाख की, 1 लाख ले लिया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4 लाख, 4 लाख उठाए ऊपर वाले फॉर्मेट में डाल दी, ये ले 4 लाख, सर वो ये 6-20 है मेरे ख्याल से, गलती हो गई, कैसे होंगे, सही है, मैं गलती हो गई, माजरत, ये माजरत माजरत भाई, नहीं कोई इशू नहीं है सर, ये ले जी, कैलकुलेशन एरर है ना, कैलकुलेशन एरर में कोई मसला नहीं, कितना एक्सेस गुडविल आ रही है, गुडविल एट एक्विजिशन आएगी 2,20 आएगी, ये पॉजिटिव गुडविल है, नेगेटिव गुडविल है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आ रहा, और सरप्लस पे किया है हमने ना, हमने 4 लाख वाली कंपनी को 6,20,000 पे कर दिए, तो इट्स अ पॉजिटिव गुडविल, सही है जी, ये तो बात हो गई, ठीक है। अब हमें जो दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है वो रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी है कॉन्सोलिडेटेड, उसके लिए हम क्या फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना, सारा गेम है फॉर्मेट का, ठीक है, फॉर्मेट का पता होगा तो हम डेटा ढूंढ के फॉर्मेट बना के निकाल लेंगे, कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, बस ये खत्म करके फिर आज की क्लास हम एंड कर देंगे, फरमाइश प्रोग्राम वैसे ही है कि क्लास थोड़ी सी शॉर्ट करें ताकि F1 समझ में आए, वो इशू नहीं है सर, ये चीज एडमिन को समझनी चाहिए कि 4-4 घंटे की क्लास बच्चा कैसे लेगा, ब्रेक होना चाहिए ना, यू मीन टू से दैट 6 घंटे की क्लास, इसके बाद F1 के बाद F2 की क्लास भी है, इसके बाद F2 की कब है, F2 की क्लास शाम में ना, सो जाना भी जाके 2:30 बजे खत्म होगी, घंटे ब्रेक, हाँ मसरूफ रखने ना तुम्हें, ताकि तो खराब हो गया, ताकि तुम उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़ो, ये अच्छा है, चले सही है, दुआएं दो एडमिन, दुआएं दे रहे हैं शुरू से, पेरेंट की रिटेन अर्निंग, अच्छा ये हम निकालेंगे 31 दिसंबर 2019, भाई जितने भी बच्चे होते हैं ना, मैं ताबानीज में भी पढ़ाता हूँ, अलहम में भी पढ़ाता हूँ, जितने भी बच्चे होते हैं सब एडमिन से बेजार होते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता क्या चक्कर है, वहां के बच्चे भी एडमिन से बेजार है, मतलब आप किसी भी कॉलेज के बच्चों से पूछ लें एडमिन से, उनको पता नहीं कौन सी वो होता है, पुराने मसाइल होते हैं एडमिन से, खैर छोड़े, तो सर बात ये कि कोर्स कंप्लीट हो ना, अगर 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 एडमिन स्ट्रिक्ट हो ना मसला नहीं है, मगर कोर्स टाइमली खत्म हो हर कोर्स, तो कोई मसला नहीं होता बच्चे को, उसका अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना, कोई मसला नहीं होता है, ये बात यहाँ पे ना टाइमली कंप्लीट है ना हर चीज, मतलब कोई एज एन है नहीं कोई चीज, ये बात भी सही है, यू आर राइट, पेरेंट की रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हमें चाहिए, सही है, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे शेयर इन
आप लोगों के टेस्ट भी नहीं होते। अच्छा जी, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। ये तो हो गया फॉर्मेट ना, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि रिटेन अर्निंग आपको एक्विजिशन पे भी दी हुई होती है, रिटेन अर्निंग आपको रिपोर्टिंग डेट पे भी दी हुई होती है। आपने फॉर्मेट में ये देखना है कि आपको रिटेन अर्निंग किसकी चाहिए, कब चाहिए। तो आप देखें, पेरेंट की रिटेन अर्निंग मुझे चाहिए, लेकिन किस डेट पे चाहिए, दिसंबर 2019। है अवेलेबल सवाल में रिटेन अर्निंग ऑफ ए बी सी एट दिसंबर 2019, 3 लाख। तो ये 3 लाख मैंने उठा लिया, ये आ गया। उसके बाद मुझे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग चाहिए। अच्छा, ना एक्विजिशन वाली चाहिए, ना रिपोर्टिंग डेट वाली चाहिए, क्या चाहिए मुझे, शेयर चाहिए पेरेंट का, किसमें, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। अब ये क्या करेंगे, कैसे निकालें, तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पेरेंट का शेयर कितना है सब्सिडरी के अंदर, 60%। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन कितनी है वो ढूंढो, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन, वो हमने गुडविल में निकाली थी 1 लाख, ये आ गई। फिर सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग ढूंढो बैलेंस शीट डेट के ऊपर, बैलेंस शीट डेट के ऊपर सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग ढूंढो सवाल में, वो दी हुई है 2 लाख, 2 लाख आ गई। ना 1 लाख लूंगा ना 2 लाख लूंगा, बल्कि 2 लाख और 1 लाख का डिफरेंस लूंगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख। इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर मैं क्या करूंगा, क्या चाहिए मुझे, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। पोस्ट प्रॉफिट नहीं चाहिए, बल्कि इस पोस्ट प्रॉफिट में मुझे पेरेंट का शेयर चाहिए, और पेरेंट का शेयर कितना है, 60%। तो 60,000 बना, ये 60,000 आपने उठाकर यहां पर ऐड कर दिया। तो टोटल कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कितनी हो गई, 3,60,000। तो भाई ये सिस्टमेटिक तरीके से आंसर आ रहा है कि पहले आपने एक फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट में आपने ढूंढा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहां से आएगा। 4-5 सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तो आदत हो जाएगी कि यार पोस्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आंसर निकाल के फॉर्मेट में डालते हैं, और फिर आप 3,60,000 पे पहुंच गए। और ये 3,60,000 आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। कहां जाएगा सर, एक बता दीजिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट करके, ताकि हमें याद हो जाएगा, एज इन मैं, मेरे लिए भी एक आसानी है, बाकी शायद दूसरों के लिए भी आसानी हो, फॉर्मेट याद हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन हो जाए, टाइम तो है फिलहाल। हां कर लेते हैं, मसला नहीं। वो दिल जा रहा है मेरा आज गलती से। क्या बात है, वो एक शायर कहता है, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ये मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। तो वो बाज़दफा पढ़ने में दिल लग रहा होता है ना, बाज़दफा टोन ऐसा होता है इंसान का कि सुबह 8 बजे भी क्लास रख लो ना, बच्चा टोन होता है। बाज़दफा शाम में क्लास रख लो तो बच्चा एक्टिव होता है। तो मूड मूड की बात होती है इंसान की, तो इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक मॉर्निंग क्लास होती है ना, तो मॉर्निंग की आदत पड़ जाती है, और अचानक से आप इवनिंग रख दें तो फिर मॉर्निंग छोड़ के बैठे हुए शाम तक क्लास कब होगी, तो रूटीन भी कभी कभी खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही।
अब मैं आपको डेटा ही वो दूंगा जितना मुझे रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होगा, ज्यादा डेटा नहीं दे रहा मैं। तो एक्स वाई जी ने 90% शेयर्स एक्वायर किए एबीसी के 1 जनवरी 2018 में, सही है? ऑन 1 जनवरी 2018 रिटेन अर्निंग्स ऑफ एबीसी वर 280,000। एज एट 31st December 2018 रिटेन अर्निंग ऑफ एक्स वाई जी एंड ए बी सी वर 3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहली वाली पेरेंट की और दूसरी वाली सब्सिडरी की। एक्स वाई जी की 3 लाख और एबीसी की 4 लाख। अच्छा जी, ये डेटा आ गया आपके पास, ठीक है? मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको। कैलकुलेट कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, मुझे सिर्फ मुझे गुडविल को ही कैलकुलेट करवानी है तुमसे। जो सवाल में रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैंने डेटा दिया हुआ है। भाई एग्जामिनर बाज दफा आपको ज्यादा डेटा दे देता है तो आप उस डेटा को इग्नोर कर देते हैं। आप तो देखेंगे ना मुझे रिक्वायरमेंट में क्या सॉल्व करना है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाएंगे, उस हिसाब से डेटा ढूंढेंगे। तो रिक्वायरमेंट में गुडविल को ही है, गुडविल होती तो एनसीआई चाहिए होता ना मुझे। तो रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी है, सही है, दिसंबर 2018 के ऊपर। अब मैं इसके फॉर्मेट पे जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले पेरेंट की रिटेन अर्निंग चाहिए, उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगा क्या शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। ये दो चीजें मुझे चाहिए। सवाल में ढूंढ लेते हैं पेरेंट कौन सी कंपनी है, एक्स वाई जी। एक्स वाई जी की 31st December पे रिटेन अर्निंग कितनी है? एज एट 31st December 2018 रिटेन अर्निंग ऑफ एक्स वाई जी एंड एबीसी वर, ये रिटेन अर्निंग आ गई उसकी। सो 3 लाख एक्स वाई जी की रिटेन अर्निंग है सब्सिडी पेरेंट की बैलेंस शीट डेट के ऊपर 3 लाख। ये 3 लाख मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे पोस्ट रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन, रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट या बैलेंस शीट डेट, ढूंढते हैं सवाल में। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन कितनी थी एबीसी की, 280 और 4 लाख। सो 280 एक्विजिशन पे थी, बैलेंस शीट डेट पे 4 लाख हो गई, तो पोस्ट में कितना आया, पोस्ट प्रॉफिट आ गया 1,20,000। पेरेंट का शेयर कितना है, 90%। तो पेरेंट का शेयर मिलेगा पेरेंट को 1,08,000। इस शेयर को उठा के मैंने यहां डाल दिया 1,08,000। सिस्टमेटिक तरीके से चलो, टोटल कितना हो गया, कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कितनी आई, 4,08,000। सही है जी यहां तक? पेरेंट प्लस सब्सिडरी 4,08,000।
तो अब आप जब दोबारा जाएं फॉर्मेट के ऊपर, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए दोबारा स्टेप्स देखें, एक नजर डाल लो स्टेप्स के ऊपर। पहला स्टेप ग्रुप स्ट्रक्चर, दूसरा स्टेप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा स्टेप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी एट एक्विजिशन, गुडविल निकालनी है, गुडविल के बाद एडजस्टमेंट फिलहाल छोड़ दें, फिर कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग वो निकालना हमने सीख ली। उसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया है एनसीआई निकालना, जो कि आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और एनसीआई निकालने के बाद फिर हम अल्टीमेटली एक अदद बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, हाउ टू कंबाइन पेरेंट एंड सब्सिडरी, इन दोनों को कंबाइन करके कैसे एक अदद बैलेंस शीट बनाई जाती है। कोई सवाल?